ये टीचर है या कोई हैवान क्लासरूम में एक बच्चे पर बेरहमी से डंडे बरसा रहा है। बच्चा रो रहा है, चीख रहा है, लेकिन इस टीचर को बच्चे पर जरा भी दया नहीं आ रही। ये तस्वीरें हनुमानगढ़ जिले की हैं, जहां के बहलोल नगर में 10वीं क्लास के एक छात्र को अजय भादु नाम का ये टीचर बेरहमी से पीट रहा है। जब ये टीचर बच्चे को पीट रहा था, तब क्लास के बाकी बच्चे भी काफी डरे सहमे थे। क्लासरूम में लगे सीसीटीवी में टीचर अजय भादु की ये शर्मनाक करतूत रिकॉर्ड हो गई। घटना का वीडियो भी वायरल हो गया। इसके बाद बच्चे के परिजन और ग्रामीण गुस्से से भड़क उठे। आरोपी टीचर अजय भादु के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने लगे। आरोपी टीचर के खिलाफ पुलिस में भी शिकायत दर्ज करवाई गई है। हनुमानगढ़ जिले के बहलोल नगर से कल राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में एक शिक्षक द्वारा डंडों से बेरहमी से मारपीट का मामला सामने आने पे जो एक वीडियो वायरल हुआ, उसको लेकर CWC के संज्ञान में आने के बाद मैं बहलोल नगर गांव पहुंचा और बच्चे की कुशल क्षेम जानी और वहां परिवारजनों से भी बात हुई और ग्रामीण भी खूब आए हुए थे वहां पे और भी उसके 10वीं कक्षा के बच्चे भी थे मौके पे। तो उन्होंने बताया कि ये जो अजय भादु शिक्षक बताया गया था, उसके द्वारा पूर्व में भी इस टाइप से बच्चे के साथ एक दो बार मारपीट हुई है। तो उसको लेकर जब ग्रामीणों ने कहा कि जो हमारे बच्चे अब भयभीत हैं और स्कूल नहीं जाएंगे, तो मैं यही कहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि शिक्षकगण एक शिल्पकार की भूमिका निभाएं, क्योंकि बच्चा जो बाल्यकाल में कोरी मिट्टी के समान होता है, उसे शिल्पकार की भूमिका निभाते हुए शिक्षक द्वारा एक उसको एक त्रास के बच्चे के चाचा द्वारा छिंदा सिंह जी के द्वारा सदर थाना में मुकदमा दर्ज करवा दिया गया है शिक्षक के विरुद्ध। और मैं समझता हूँ कि बिल्कुल उनके परिवारजनों को न्याय मिलेगा, क्योंकि वो पूरा गांव भयभीत था और बच्चे भयभीत थे और उनके माता भी भयभीत थी, क्योंकि बच्चे का पिता बाहर करे। बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष जितेंद्र गोयल ने स्कूल का दौरा किया और पीड़ित बच्चे और उसके माता पिता से मुलाकात की। उन्हें भरोसा दिलाया कि उनके बच्चे को न्याय मिलेगा। जितेंद्र गोयल ने बाकी टीचरों को भी हिदायत दी है कि वो बच्चों के साथ प्यार से पेश आए, नहीं तो उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई हो सकती है। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। जांच रिपोर्ट आने के बाद आरोपी टीचर के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। राजस्थान तक के लिए हनुमानगढ़ से गुलाम नबी की रिपोर्ट।